हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण यादव और आप देख रहे हो टेक्निकल हीरो एप्लीकेशन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला व्हाट्सएप की चार ऐसे नए अपडेट जो आप लोगों को पता नहीं होगी। गाइस, अपडेट जानने के बाद आप यही बोलो कि ये वीडियो मैंने पहले क्यों नहीं देखी। गाइस, तो चार अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप लोग जान जाओगे बोलोगे क्या अपडेट है। गाइस, आप लोगों का टाइम बिना गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। गाइस, ठीक है गाइस, मैं वीडियो कर लेता हूँ स्टार्ट। ठीक है गाइस, सबसे पहले क्या करता हूँ, आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत सर्दी हो गई, थोड़ा सा मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, सांस ले लेके बोलना पड़ रहा है। गाइस, तो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर है उसे ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर है इसे ऑन कर लिया। अब मैं आगे प्रोसीजर बताता हूँ आप लोगों को चार क्या अपडेट है व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरा व्हाट्सएप है उसे ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपना व्हाट्सएप जो है उसे ओपन कर लिया। गाइस, ठीक है, तो मैं रेंडमली किसी भी व्हाट्सएप में चले जाता हूँ और आप लोगों को सेटिंग बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करता हूँ, इसलिए मैं चले गया। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट सेटिंग है गाइस यहाँ से आती है। यहाँ से हम जब भी फोटो शेयर करते हैं तो क्या होता है गाइस, हम 30 से ज़्यादा फोटो जो है शेयर नहीं कर पाते। ठीक है गाइस, क्या होता था पहले कि हम 30 से ज़्यादा फोटो जो है शेयर नहीं कर पाते थे, बट जो है गाइस अब अपडेट आया है, 4-5 दिन हो गया ये अपडेट आया है कि आप 30 से ज़्यादा फोटो शेयर कर सकते हो। 40 नहीं, 50 नहीं, पूरे 100 फोटो आप एक साथ में किसी को भी भेज सकते हो गाइस, सेंड कर सकते हो मतलब। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आज मतलब बोलने में तकलीफ हो रही है, सर्दी हो गई ना तो सांस ले लेके बोलना पड़ रहा है मुझे। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट अपडेट। ठीक है गाइस, तो इसे कट कर लेता हूँ। आप लोगों को आप दिक्कत नहीं होगी, 30 से ज़्यादा फोटो भेज सकते हो, 100 तक भेज सकते हो गाइस। ठीक है गाइस, हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है गाइस, दूसरा स्टेप सिंपल सा है। यहाँ पे हम टच करते हैं, यहाँ पे हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंट में, पहले यहाँ पे ब्राउजर में चले जाते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं। तो गाइस देख ले सकते हो, यहाँ पे जो मैंने जो इमेज लिया है वहाँ पे कैप्शंस का आ गया, मतलब लिखने का कि हम टाइप कर सकते हैं इसके नीचे। जैसे कि हम किसी भी दोस्त को अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जैसे अपना फोटो हमने भेज दिया कैमरे का कि भाई यहाँ पे हम लिख दे, भाई एडिट कर दे जल्दी से, या भाई एडिट करके भेज दे, या भाई देख ले काम की चीज़ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये नया अपडेट है, पहले ये अपडेट नहीं था गाइस। ठीक है गाइस, ये हो गया दूसरा स्टेप जो नया अपडेट है गाइस। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कट। अब बताता हूँ तीसरा स्टेप, स्टेटस में आ जाते हैं गाइस। ठीक है, स्टेटस में आने के बाद हम सिंपली कैमरे में चले जाते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन है फोटो खींचने का गाइस। ठीक है, और जब पहले हम लोग को वीडियो बनानी पड़ती थी मतलब अपने व्हाट्सएप के कैमरे से, क्या करना पड़ता था, हम लोग को सिंपली कैमरे को टच करके रखना पड़ता था तब वीडियो बनती थी गाइस। ठीक है, बट अभी का जो है गाइस वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हो साइड में वीडियो का ऑप्शन आ गया है, तो आप लोगों को टच करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली वीडियो वाले ऑप्शन में से चले जाना है, आप लोगों को रख देना है, तो आप लोगों को टच कर लेना है, अपने आप वीडियो शूट हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, ये थी तीसरी अपडेट गाइस। ठीक है, ध्यान से समझना और ध्यान से देखना, स्किप मत करना गाइस, वरना आप लोगों को नहीं समझ जाएगा। जो चौथी गाइस सेटिंग बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से देखना गाइस। ठीक है गाइस, चौथी जो है मतलब वो अपडेट है, क्या करना है हमको, 3 डॉट पे क्लिक कर लेना गाइस। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हमको आ जाना है सेटिंग पे गाइस। ठीक है, मैं आ जाता हूँ अपने सेटिंग पे। ठीक है गाइस, सेटिंग पे आने के बाद हमको सिंपली चलना है अपने स्टोरेज डाटा पे। ठीक है, स्टोरेज डाटा पे हमको क्लिक कर लेना गाइस। ठीक है, यहाँ पे हमको नीचे आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस लिखा है प्रॉक्सी सेटिंग, क्या लिखा है प्रॉक्सी सेटिंग सबसे नीचे गाइस, इसे हम पे टच कर लेना है। ठीक है गाइस, और इसे अभी ऑन नहीं करना गाइस। इसे क्या होता है गाइस कि हम अगर मतलब कोई भी नेटवर्क इशू है या फिर आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, जैसे कि मतलब कभी क्या होता है कि नेटवर्क इशू की वजह से नेट स्लो चलता है तो आप लोग का व्हाट्सएप नहीं चल पाता, हम चैटिंग नहीं कर पाते, ये सब वगैरह वगैरह, तो गाइस ये हम मतलब व्हाट्सएप प्रॉक्सी की मदद से कर सकते हैं, चाहे हमारा नेट चले ना चले। तो ये मतलब तब करते हैं जब कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब नेट इशू हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से तो हम व्हाट्सएप प्रॉक्सी को मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के क्या करना गाइस होता है, सबसे पहले हमें इसे ऑन कर लेना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो एक नंबर सेट करना पड़ता है व्हाट्सएप प्रॉक्सी का, तो क्या करना है हमें गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके हमें सर्च करना है व्हाट्सएप प्रॉक्सी, वहाँ पे नंबर दे देगा वहाँ का जहाँ पर आप रहते हो, तो सिंपली वहाँ से नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, आपको कर लेना है ओपन गाइस। तो आपका इस हिसाब से बिना मतलब नेट के भी आप मतलब व्हाट्सएप में चला सकते हो, किसी से भी चैटिंग वगैरह कर सकते हो गाइस बिना नेट के, अगर आप मतलब जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो इसके मदद से आप बिना नेट के व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह कर सकते हो गाइस। इसमें चौथी सेटिंग, तो गाइस मैं फिलहाल अपने जो मोबाइल का मैं स्क्रीन रिकॉर्डर है इसको ऑफ कर लेता हूँ। गाइस,
तो गाइस वीडियो यहाँ पे मैं करता हूँ खत्म। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि मैं ऐसी खतरनाक सेटिंग्स आप लोगों को बताते रहता हूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।